नमस्कार, IBC24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का दमोह जिले से IBC24 के कार्यक्रम जनकारवा में। जनकारवा में हमारे साथ दमोह जिले के जनप्रतिनिधि इस वक्त यहां पर आशीर्वाद गार्डन में मौजूद हैं और उसी के साथ दमोह जिले की प्रबुद्ध जनता भी मौजूद है, जिनसे आज हम सवाल जवाब करेंगे। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने 5 साल में क्या किया है उसका आकलन और हिसाब किताब जनता आज अपने जनप्रतिनिधियों से इस जनकारवा के कार्यक्रम में लेगी। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव अब नजदीक है तो इसके लिए लोकतंत्र को मजबूत बनाना जरूरी है, तो इसीलिए सब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, जनप्रतिनिधि है चाहे जनता है, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और एक शपथ आप सभी को मैं दिलाना चाहूंगी। अपना सीधा हाथ आगे कर ले सभी अपनी जगह पर खड़े होकर, और जो शपथ मैं आप सभी को दिला रही हूँ उसे उसके बाद आप दोहराएंगे। सभी अपना सीधा हाथ आगे कर ले। हम भारत के वासी ये शपथ लेते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। और इसी के साथ अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें हम बता दें कि हमारा कार्यक्रम जो है ये 3 चरणों में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रश्नकाल की, जिसमें हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को और जनता को उनकी आवाज रखने का, उनके मुद्दे रखने का मौका देंगे। इसके बाद होगा ध्यानाकर्षण का मुद्दा, जिसमें हम यहाँ का जो स्थानीय मुख्य मुद्दा है उस पर जनता और जनप्रतिनिधि सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे। और इसके बाद बचा हुआ जो समय है वो होगा शून्यकाल के लिए, जिसमें बचे हुए तमाम मुद्दों को जगह दी जाएगी और जनता और जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब किए जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको दमोह जिले की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बता देते हैं। दमोह जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम जिला है। हमेशा से यही कहा जाता है कि दमोह की जो हम कहें कि राजनीति है उसमें हमेशा से दम रहा है। यहां से फिलहाल वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है जयंत मलैया, वो दमोह विधानसभा से विधायक है। दमोह जिले में 4 विधानसभा आती है, हटा, पथरिया, दमोह और इसी के साथ जबेरा। और यहाँ पे 3 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक है, वहीं 1 विधानसभा पर कांग्रेस काबिज है। तकरीबन 12.5 लाख दमोह की 2011 की मतगणना के अनुसार जो जनता है उनकी संख्या है, जनसंख्या है। इसी के साथ साक्षरता दर जो है वो तकरीबन 70% है। राजा नल की पत्नी दमयंती, उनके नाम पर दमोह का नाम रखा गया है, ऐसा कथाओं में प्रचलित है। और कई सारे मुद्दे यहाँ पर दमोह के हैं जिस पर यहाँ की जनता मुखर होकर अपनी जो उपस्थिति हमेशा से ही दर्ज कराती आई। तो चलिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भगवान दास जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हरिशंकर जी हैं, मंडी प्रतिनिधि हैं हमारे साथ प्रदीप खटीक जी हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, आशुतोष तिवारी जी हैं और शंकरलाल उपाध्याय जी हैं। वहीं बसपा से रामबाई सिंह हैं जो कि पथरिया से प्रत्याशी हैं बसपा की। वहीं भाजपा से भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं जो कि देव नारायण जी हैं, फिर इसी के साथ जिला महामंत्री हैं रमन खत्री जी, शिवचरण पटेल हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहादुर पटेल जी मौजूद हैं, राधिका पटेल जी मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भाजपा से, बसपा से और कांग्रेस से मौजूद है और बड़ी संख्या में दमोह जिले की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के जो वर्तमान वित्त मंत्री है जयंत मलैया, उनकी परंपरागत सीट रही है दमोह विधानसभा। कई बार चाहे देश भर में जिसकी भी लहर हो लेकिन वो यहाँ से परंपरागत तरीके से चुनाव जीतते आए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस लिहाज से वो अच्छी एक वित्त मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार का खजाना है उसकी चाबी वित्त मंत्री के हाथों में, कितना खजाना दमोह जिले में खुल पाया है? दमोह जिले के लिए और दमोह विधानसभा के लिए, वैसे तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश की चिंता उन्होंने की है, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दमोह विधानसभा में पिछले 5 साल में जब से वित्त मंत्री 5-8 साल से हैं तब से बहुत ज्यादा पूरे दमोह विधानसभा के चारों ओर, आज मैं आपको बता दूं दमोह विधानसभा की भी रोड, आज एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां दमोह विधानसभा का कोई गांव पक्की सड़क से ना जुड़ गया हो। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। दमोह नगर पालिका में लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए खर्चे करके विगत कई वर्षों से जो पानी की समस्या थी, इस पानी की समस्या को हल करने का प्रयास किया है और आने वाले समय में ईश्वर ने कहा, चाहा सबको ठीक रहा तो हम दिन में 2 बार पानी देने की स्थिति में है। हमारे दमोह नगर पालिका में चारों तरफ, दमोह शहर की भी चारों तरफ गली हो चाहे कूचे हों,
सीसी से जुड़ चुके हैं। हमारा ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां समस्याएं थी, उस समस्या को खत्म करने का प्रयास आदरणीय जयंत भैया और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना किया हो। चलिए ठीक है, दमोह जिले में विकास हुआ है ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। बसपा से जो प्रत्याशी है पथरिया विधानसभा के, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी बीजेपी के नेता बता रहे थे कि पूरे दमोह जिले में गाँव गाँव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है, पथरिया विधानसभा में क्या है, क्या आज भी वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है गाँव गाँव तक सड़क बिजली पानी पहुँच पाया है? जी नहीं, पथरिया में ऐसे कई गांव हैं जहां पे आज भी बिजली पानी, पानी की समस्या तो टोटल पूरे दमोह जिले में है, पूरे टोटल दमोह जिले में पानी की समस्या है। और रही सड़कों की बात, तो आज पथरिया विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जो व्हाट्सएप पे भी डले हैं, सोशल मीडिया पे भी डले हैं, आपके द्वारा चैनलों पे भी चलाए गए हैं, जहां लोग आज भी रास्ते में आते हैं और मर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, औरतें अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती हैं। जाल कहाँ बिछा है ये कहने वाले खुद प्रमाण दें हमारे लिए, कहाँ जाल बिछा है। चलिए ठीक है, सड़कों का जाल नहीं बिछ पाए, कांग्रेस के पास चलेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से जो वित्त मंत्री हैं यहाँ के, यहाँ से परंपरागत सीट उनकी रही है, लगातार कई चुनाव यहाँ से जीते हुए हैं, क्या लगता है कि कैबिनेट में उनके होने का फायदा दमोह जिले को मिल पाया है? ये दमोह का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री होते हुए भी दमोह में जो विकास उन्हें करना चाहिए वो नहीं किया। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में किसान, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, यहाँ से युवा जो शिक्षित होते हैं वो दूसरे शहर में रोजगार के लिए जाते हैं, कोई उद्योग धंधा नहीं है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वित्त मंत्री केवल नाम के हैं, नहीं लगता कि उनने दमोह का कुछ 15 साल में विकास किया होगा। इस सबको हम लोग को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ना यहाँ यूनिवर्सिटी आई, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, यहाँ दिन प्रतिदिन शिक्षित बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब मलैया जी ने इतना सब कुछ किया है तो ये दमोह शहर हिंदुस्तान में सबसे गंदा शहर घोषित क्यों किया गया? आज की तारीख में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ढप पड़ी हुई हैं, शिक्षा का टोटल निजीकरण किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का कचड़ा है वो दमोह जिले में ला के रखा हुआ है, इस कारण से सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है और विकास के नाम पे शून्य, विकास के नाम पे शून्य। चलिए, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, मालती जी, उससे इस बात का जवाब ले लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बुरा कलंक है दमोह जिले पे, देश भर में सबसे गंदा शहर होने का, कितना सुधार उस पे हो पाया है, कितना ODF को लेकर कितना काम यहाँ पर हुआ है? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, साथ में जो हमारे दमोह जिले का विकास हुआ है, जैसे आपने अभी सुना कि दमोह जिले में पानी की व्यवस्था गड़बड़ है, पानी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जन सप्लाई हमारी जनता के बीच में घर घर जा रही है। अगर जनता अगर परेशान होती तो पीले डिब्बे लेके भरने जरूर जाती, जो रोडों पे पूरे समय देखते थे, अब वह नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद दमोह शहर में हमारी जनता के साथ जनता का जो विकास हो रहा है, वह जनता के बीच में जाने के बाद इसका उत्तर अभी हमारी विधानसभा चुनाव में उसको मिलेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मलैया जी का दमोह में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं बता दूं कि आदरणीय जयंत भैया जब से दमोह में जल संसाधन मंत्री बने, किसी एक ज़िले में अगर एक सिंचाई परियोजना आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे दमोह ज़िले को 5-5 सिंचाई परियोजनाएं दमोह ज़िले को प्राप्त हुई हैं, 3 परियोजनाएँ केवल पथरिया में, अभी 350 करोड़ की हमने सद्धरू में और सीतानगर में 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमने लगी। हमारा जो जिला है 70% इरिगेटेड हो जाएगा, जो कहे शायद कोई और मध्य प्रदेश का जिला नहीं हो सकता। ठीक है, धरती पर असल स्थिति क्या है? सर मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पीछे कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें भी मौका देना जरूरी होता है। सिंचाई को लेकर बात कर रहे थे कि पर्याप्त किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, 5-5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए गए, धरातल पर क्या स्थिति? आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार का डिब्बा खाली है और सरकार के पास पैसा नहीं है, ओवरड्राफ्ट की स्थिति में है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए ये धड़ाधड़ जो घोषणाएं की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं पैसे कहां से लेकर आएंगे आप? चलिए ठीक है, कुछ और स्थानीय मुद्दों का हम उठाना चाहेंगे, बताइए। अब चूंकि हम पाले में तो भाजपा के बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से वर्गीकरण आपको यहाँ दिख रहा है, पर हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है ना, हम कांग्रेस के, हम आम जनता का रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से, चूंकि प्रश्न सत्ता पक्ष से किए जाते हैं, विपक्ष से नहीं किए जाते हैं, तो हम ये पूछेंगे इस बार फिर आप वोट मांगने आएंगे तो क्या अच्छे दिनों का वादा फिर करेंगे आप हमसे क्या, यदि आपने वो वादा पूरा किया था? नहीं, अभी रुक जाइए, हम रोजगार की बात भी करेंगे। हमारा प्रश्न है सीधा सीधा, आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या आपने दिए?
आपने कितनी स्मार्ट सिटी आज तक बना ली है? हम वो प्रश्न एक सेकंड, हमारे प्रश्न तो हो जाने दीजिए प्रधान, प्रश्न हो जाने, ठीक है मैं उत्तर लेने भी आ रही हूँ आपके पास, उत्तर लेने हो जाने दीजिए। हम पूछेंगे कितनी स्मार्ट सिटी बनी है तो आपको आपने खाका बताना पड़ेगा ना कि हमने इतनी स्मार्ट सिटी बना दी है। हम पूछेंगे उनकी महंगाई को अपने डायन गए कि हमसे वोट मांगा था, आज अपने अपनी आपने अपनी महंगाई को क्या नाम दिया है? नाम बता दीजिए आपने अपनी वर्तमान की महंगाई को। मैं भाजपा का नहीं हूँ ना कांग्रेस का हूँ। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, आप बताइए। अभी आपने शपथ दिलाई थी कि किसी जाति को बांटकर वोट मांगने नहीं आएंगे। ये चारों विधानसभा में मैं पूछना चाहता हूँ कि एक ईमानदार नेता देंगे क्या? यहाँ सिर्फ दमोह जिले में जातिवाद पर ही वोट बैंक निर्भर है, और ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ जातियों में बांटना जानती है, देश में समानता नहीं लाती। हम चाहते हैं समानता, एकता और विकास की बात की जाए। ठीक है, समानता की बात की जाए, जातिवाद न किया जाए। वहीं यहीं से दमोह जिले से लगा हुआ बांधकपुर एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां से भी कुछ लोग हमारे साथ है। बांधकपुर का विकास कितना हो पाया है आपको लगता है? महान तीर्थ स्थल है, जाना माना तीर्थ स्थल। सिद्ध क्षेत्र जागेश्वर धाम बांधकपुर में प्रतिदिन हजारों लाखों शिव भक्त आते हैं, उनकी सुविधाओं में व्यवस्थाओं में बांधकपुर में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है कि भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रदेश के वित्त मंत्री जी का खजाना बांधकपुर के लिए वो नहीं खोल रहे हैं, सांसद जी का लिया हुआ आदर्श ग्राम गोद है, उनके अनेक कार्य आज भी धरातल पर अधूरे पड़े हैं, और बांधकपुर से हर एक व्यक्ति की, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हर एक व्यक्ति की आस्था जुड़ी है। आए दिन सत्ता पक्ष के और विपक्ष के काफिले लोग दर्शन करने जाते हैं और भगवान से कृपा चाहते हैं। तो मैं ऐसे भस्मासुरों से कहना चाहता हूं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। भगवान जागेश्वरनाथ जी की नगरी के साथ द्रोह ना किया जाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जिसने शिव जी के साथ द्रोह किया है वह मेरा दास क्यों ना हो, वह मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। चलिए जी, कुछ और लोग यहाँ पर, बताइए क्या सवाल है। 2013 में शिवराज सिंह ने वादे किए थे कि ये गरीबों की और किसानों की सरकार है, तो उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी वादे किए थे कि गरीबों की और किसानों की सरकार है, लेकिन किसानों को और गरीबों को क्या दिया भाजपा सरकार ने? मोदी जी ने लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी करके, और भाजपा ने खड़ा कर दिया तुलाई के समय भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे उनने भ्रष्टाचार किया चने में गेहूं में और इन सब चीजों दोनों चीज करके, इन्हें फायदा क्या मिला? उस सार का भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, उस चीज का सार क्या निकला? चलिए ठीक है, नोटबंदी को लेकर यहाँ पर लोग सवाल उठाना चाहते हैं, आपका क्या सवाल? केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट की हत्या की, संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की, और एक SC ST एक्ट बनाया, लेकिन अब कल शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे लोकतंत्र की, लोकसभा के पूरे 500-700 सांसदों की हत्या करके एक आदेश जारी किया है कि अब SC ST एक्ट खत्म है मध्य प्रदेश में। तो क्या ये मोबाइल पर और घोषणा में खत्म हो जाता है? शिवराज सिंह चौहान किरार जी क्या इतने महान हो चुके हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सांसदों की भी हत्या करके अपना नियम लाते हैं? क्या ये भारत का संविधान है आपकी शब्द के कहे अनुसार? चलिए ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलेंगे और उनसे जवाब लेंगे, आप बताइए। जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 15 साल में भाजपा ने क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस के मित्र से कि 60 साल में बताएं उन्होंने क्या दिया। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास लाडली और मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना और अभी 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के इलाज की स्मार्ट योजना चालू की है। और एक हमारे मित्र कह रहे थे जो बांधकपुर में विकास नहीं हुआ, पहली बात तो उनको बांधकपुर के विकास की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बांधकपुर का विकास हमारे स्थानीय प्रतिनिधि आदरणीय जयंत विजय के नेतृत्व में हो रहा है और बांधकपुर का विकास पूर्ण रूप से होगा। चलिए ठीक है, क्या हुआ है इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आप बताइए। लगातार जो कांग्रेस है वो अपने विकास का बखान कर रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आप दमोह आई और आप भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में हम कांग्रेस के साथियों की मदद कर रही है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मूल बात है कि आज भाई हमारे मोंटी ने बोला, मोंटी की दुकान कितनी है इन 15 सालों मोंटी को पता है, और मोंटी के भाइयों की दुकान कैसी है ये मोंटी के परिवार के लोगों को पता है। और रही आम जनता को पानी पिलाने की बात, तो माननीय मालांती, आदरणीय मालांती मतलब हमारी मालती भतीजी है, बहन है, वो अपने मोहल्ले की ईमानदारी से सौगंध खा के बोले कि वहां के लोगों को पानी मिल पा रहा है कि नहीं। पहला वहां की बहनें कहां पानी भरने जाती है मालती जी को पता है।
ये झूठ का सरोकार, झूठ का पिटारा ज्यादा दिन तक दमोह की जनता सहन नहीं करेगी। चलिए ठीक है, पीछे कुछ और लोग हैं। हालांकि स्वच्छता को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जनता लगातार मुखर है। आपका क्या सवाल है? मैडम, मेरे देश के सीएम जो है वो जय माइके लाल जैसी बातों का कहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये? क्या श्रवण समाज एमपी का नहीं है क्या? दुख होता मैडम कि हमारे सीएम ऐसी बातें करते हैं कि आप माइके लाल हो तो ये कर दो वो कर दो। ठीक है, आरक्षण को लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर में लोग मुखर हो रहे हैं, आप बताइए क्या सवाल? मोंटी भाई ने जो कहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई आपका मुद्दा है तो बताइए। हाँ जी, भाजपा के जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, मैं बताता हूँ क्या किया। जब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बन रही है, ये कांग्रेस ही की देन है। और जो भाजपा के, थोड़ा ऊपर करिए, हाँ, जो भाजपा के है ना, ये लोग जो फालतू का बाह-बाही लूट रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस भी जान रही है और जनता भी जान रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ से अब काम खत्म होने वाला है। चलिए ठीक है, जनता सब जानती है। कांग्रेस भाजपा के पास चलेंगे और जाना चाहेंगे। मालती जी, पूछा जाया था, लोगों ने पूछा था हालांकि कि आपके क्षेत्र में ही महिलाओं को जो है पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेरे वार्ड में एक भी घर ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें डिब्बा लेके कहीं जा रही हो, कहीं और भरने जा रही हो, ये बता सकते हैं? निर्विरोध हम वार्ड जीते नहीं, हम शहर की बात कर रहे हैं। हम अपने वार्ड की क्यों करेंगे, हम शहर के भी हैं। शहर की अगर कोई बहन हमारी डिब्बा लेके कहीं जा रही होगी तो वो भी जहाँ पट्टा नहीं है, जहाँ रहने की जगह नहीं है उनके पास, वहाँ पाइपलाइन नहीं है, शासन की व्यवस्था नहीं है, जहाँ उनके पास जमीन आवंटन नहीं है, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। बाकी हमारे पूरे शहर में पानी हर घर में पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कई सारी क्षेत्रीय नदियां हैं, कुएं हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत लंबे समय से दमोह की जनता जो है वो पानी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि ठंड खत्म होती है दिसंबर और जनवरी के माह से जो पानी की किल्लत है उसकी शुरुआत हो जाती है। क्या लगता है, पर्याप्त साधन लोगों को मिल पाए, संसाधन उपलब्ध हो पाए उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्रयास किया है कि सारी समस्याओं को हल किया जाए। वैसे हमारे कांग्रेस मित्र पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 60 वर्ष में कांग्रेस ने जो दिया उसके कारण 44 पर पहुंच गए। आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसके कारण आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और आने वाले समय में मैं आपसे यहां बता देना चाहता हूं कि आप जहां से आई होंगी, शायद भोपाल से आई होंगी, आपका धन्यवाद, लेकिन आपको यहाँ आते समय कितना टाइम लगा? और 2003 से पहले जब आप भोपाल से यहाँ आई होंगी तो उसका टाइम आप बता देंगी तो कांग्रेसियों को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, सड़कों का जाल तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बिछा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हम हमारे कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है जो कि ध्यानाकर्षण है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यानाकर्षण में यहां से दो मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाना चाहेंगे और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहला है बेरोजगारी और दूसरा है यहां की स्वच्छता की समस्या। सबसे पहले बेरोजगारी से शुरुआत करते हैं। यहां पर एक इकलौती माइसेम सीमेंट की फैक्ट्री है जो कई सालों पहले लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी आज यहां पर क्या लगता है, आरोप लगातार लगते आए कि स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है? मैडम, आपने बहुत अच्छा कहा कि यहां माइसेम जो फैक्ट्री है वो शोषण कर रही है। यहां तक कि जो हमारे बेरोजगार हैं वो आप देखेंगे कि महामाया और संपर्क क्रांति से हजारों लोग रोड पायलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रोजगार देंगे, इनकी करनी और कथनी में काफी अंतर है। और यहां जो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है नरसिंहगढ़ के पास, हजारों किसानों की जो जमीन है वो डस्ट से धूमिल हो गई है और किसान परेशान है, बेहाल है। अब समय है बदलाव का, कांग्रेस की सरकार आएगी उसकी ओर सोचेगी। ठीक है, कुछ और युवा भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। दमोह जिले में जितने भी अधिकारी आते हैं बाल्टी लेके आते हैं और यहाँ से माला माल होके जाते हैं। एक पीतलिया जी आए थे, पूरा सिंचाई विभाग लूट के चले गए। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारी की समस्या मुंह बाय खड़ी है। दमोह जिला बेरोजगारी की चपेट में है। आप मानिए, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग MMD क्वालिफाइड लोग हैं। इतनी सारी समस्या दमोह जिले में है, माननीय वित्त मंत्री जी आते हैं परंतु यहाँ स्थानीय युवाओं का ना कोई बेरोजगारी फेयर होता है, कुछ नहीं होता है कि युवाओं को। ठीक है, आप बताएं। मैडम, 35 साल से विधायक आप, वर्तमान में मंत्री आप, वर्तमान में मंत्री आप, आपने रोजगार के लिए एक कोई काम किया हो तो बता दीजिए, क्या किया आपने रोजगार के लिए? मैं बेरोजगार। ठीक है, आप बताएं। जैसे अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाएगा, मैं उनको एक बात बता दूं,
कि अभी 20 साल से मेरे वार्ड में रोड नहीं बनी, अभी 15 दिन पहले भूमि पूजन हुआ मंत्री जी के हाथों से, जब तक अभी तक कहाँ आते? 35 साल से विधायक हो, 35 साल, 10 साल से मंत्री, 15 साल से मंत्री, अभी हुआ स्थानीय तौर पर। चलिए ठीक है, लगातार चुनावी समर है तो इसमें लोगों के जो काम है वो अक्सर पूरे हो जाते हैं, आप बताइए। मैडम आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के जो दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं, मैं शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं और हमारे जो वित्त मंत्री महोदय हैं मध्य प्रदेश के, उनसे जानना चाहता हूं कि आप जनता की जेब पर ऐसी कैंची चला रहे हैं जहां 28 रुपए डीजल पर बेड टैक्स लगा हुआ है, 26 रुपया पेट्रोल पर बेड टैक्स लगा हुआ है, और हमारी माताओं बहनों जो किचन में खाना पकाती हैं, हमारे कांग्रेस के टाइम में 450 रुपये जो गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो 850 रुपये में मिल रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको डीजल पेट्रोल को जीएसटी में, महंगाई महंगाई को लेके आना चाहिए। आप बताइए कि बेरोजगारी की हम बात करें, ध्यान आकर्षण हमारा चरण चल रहा है, बेरोजगारी से कितना ग्रस्त है दमोह जिला? मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ टोटल और टोटल दमोह विधानसभा के ऊपर चर्चा हो रही है, जबकि जिले में 3 विधानसभाएं अन्य और हैं। मैं हटा विधानसभा में निवासरत हूँ, बीजेपी की 10 साल से विधायिका है वहाँ पर, तो उनका विकास का हाल यह है कि पिछली पंचवर्षीय में एक बिल्डिंग बनती रही, 2004 में उनका गरीबी रेखा में नाम था। सबसे सोचने वाली बात है कि 2004 में जिनका गरीबी रेखा में नाम हो और आज उनकी बिल्डिंग है 10-10 करोड़ रुपए की, उमाश्री पैलेस वो बिल्डिंगें बन गई। ये खुलेआम भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है और इसमें भ्रष्टाचार करने के बाद भी वो खुल के बोलते कि नहीं हम ईमानदार हैं, ये बोलवाला है, तो यहाँ तो प्रजातंत्र की धज्जियां। आप बताइए आपका क्या सवाल है? मैम हमारा ये कहना है, अभी कहा जाता 60 साल में इसमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है मैं मानता हूँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन विकास के नाम से आपने 30 साल और 15 साल, 30 साल विधायक रहते हुए और 15 साल मंत्री रहते हुए विकास कहाँ का किया है ये पूरे दमोह की जनता जानती है। यहाँ का हरिजन क्षेत्र है, हरिजन मोहल्ले हैं, पथरिया फाटक है, चैनपुरा है, मल्लपुरा है, बांधकपुर, इनकी रोडें जाके अगर देखें, इनके निवासरत लोगों को देखें तो लगेगा कि ये कूड़े कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे लोग। ये निश्चित रूप से विकास जरूर हुआ है, बालाकोट रोड पे हुआ है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जमीनें हैं विकास वहाँ हुआ है, विकास उनका हुआ है जो मलैया मिल के तरफ रहते हैं या वहाँ रह रहे हैं लोग। चले ठीक है, लगातार IBC24 का ये जो कार्यक्रम है जनकारवा वो सोशल मीडिया पर, वो फेसबुक और ट्विटर पर भी देखा जा रहा है, आप सभी भी हैशटैग जनकारवा लिखकर अपनी राय देख सकते हैं, और फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर IBC24 जनकारवा पर हैशटैग जनकारवा लिखकर आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हमें कुछ प्रतिक्रियाएं मिली है, देवेंद्र पटेल पूछ रहे हैं कि आखिर दमोह में अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, वीरेंद्र सेन दमोह से जोड़ने वाली सड़कें खराब है ऐसा बता रहे, सीमा शर्मा का कहना है कि दमोह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विवेक गुप्ता कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। आप भी जनकारवा का जो कार्यक्रम IBC24 के फेसबुक और ट्विटर पेज पर लाइव चल रहा है उस पर जाकर हैशटैग जनकारवा लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और आपके सवाल को यहां पर आवाज दी जाएगी। ध्यान आकर्षण का चरण चल रहा है, आपके पास एक बार और आना चाहूंगी मैम, क्योंकि सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं और लगातार कई शहरों में विकास भी हुआ है जो कि नीचे से उठकर नंबर 1 तक पहुंचे, दमोह जिला भी क्योंकि आखिर में था, अब कितना प्रयास यहां पर किया जा रहा है उसके लिए, कितने सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, ODF घोषित, क्या ये हुआ है या फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए टीम्स आपने बुलाई है, क्या स्थिति है? हमारे जो सफाई के लिए नंबर 1 गंदा शहर का नाम दिया गया था, उसको हमने नंबर 103 पे हम लोग दमोह शहर को लेके आए हैं, हमने शहर की स्वच्छता की तरफ और ODF की तरफ बहुत सा ध्यान दिया है, इसमें हमारे लिए हम वह झूठा दिखाना नहीं चाहते, हमें जो गंदे शहर का नाम दिया गया था वो हमें सौगात में मिला था, हमने उसको पूरा ठीक किया है और शहर के साथ साथ हमने आसपास जो गंदगी है शहर की उसको भी ठीक करने की कोशिश की है, गलियों से कचरा निकालने की, घरों के बाहर की सफाई की पूरी कोशिश की है हम। स्वच्छ ठीक है, आप बताइए भाई, विकास के बारे में जो विपक्ष वाले लालचन लगा रहे थे, मेरा कहना ये है ये वो 15 साल पुराना चश्मा लगाए थे, उसी काले चश्मे से देख रहे हैं, यदि इनने दूरदृष्टि वाला चश्मा देखा होता तो इन्हें हमारे जिले का प्रदेश में सिंचाई लाइट उनके समय में बहुत थी कि देखने नहीं मिलती थी,
और ठीक है, फिलहाल स्वच्छता पर हम बात कर रहे हैं और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। स्वच्छता को लेकर लगातार पक्ष का कहना है कि बहुत काम हुआ है, क्या लगता है आपको, आपके आसपास के क्षेत्रों में सफाई है? सिवाय गंदगी के अलावा कुछ नहीं है और यहाँ पे एक भी उद्योग नहीं लगवा पाए। वित्त मंत्री होने के बाद ऊपर से खोखली घोषणा करते हैं कि हम मेडिकल बनवा देंगे, जब केंद्र की योजना आती है तब तो छतरपुर भगा देते हैं, अब कब बनवाएंगे मेडिकल कॉलेज? स्वच्छता को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता है? मैडम स्वच्छता तो दिखती नहीं है, प्रयास जरूर हो रहे हैं पार्टी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पर वो स्थायी और धरातल पर दिखने वाले नहीं है मैडम। केवल वही जगह, वही जगह स्वच्छ दिख रही है जहां पर शहर का मॉब या वीआईपी लोग रहते हैं। कई कॉलोनी ऐसी हैं, आप देख सकते हैं कि विजयनगर वैशाली नगर का आप स्वच्छता देख लीजिए। चले जी, आज भी स्वच्छ शहर होने के लिए जो दमोह जिला है वो बाढ़ जो रहा है और पक्ष को अभी फिलहाल जिम्मेदारों को स्वच्छता को लेकर और काम करना होगा। लगातार जो हमें प्रतिक्रियाएं ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर मिल रही है वो आपको एक बार बता देते हैं। अनुपम कह रहे हैं दमोह में तीन बड़ी पेयजल योजना आना विकास का प्रतीक है। वहीं कमल सिंह कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है। अखिलेश मिश्रा कहते हैं कि दमोह में चौराहों की हालत खराब है। राम शर्मा कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज की जरूरत है। आप सभी भी IBC24 के ट्विटर अकाउंट पर और फेसबुक अकाउंट पर #जनकारवा लिखकर अपने सवाल हम सभी को बता सकते हैं। चलिए, कांग्रेस से कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मोनू पटेरिया जी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार स्वच्छता हो, बेरोजगारी हो, मेडिकल कॉलेज की मांग हो, लगातार दमोह जिला जो है वो पिछड़ा सा महसूस कर रहा है अपने आप में। दमोह जिले में 35 साल से एक व्यक्ति का शासन है, उनने शहर के विकास से ज्यादा अपना निजी विकास किया है। कॉलेज देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, व्यापार के क्षेत्र में, हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास है तो मलैया मिल से लेके ओजस्विनी कॉलेज तक ही विकास है। आप बताइए, क्वेश्चन तो करें, क्या सवाल है आपका? दमोह जिले में कितना विकास हुआ है? विकास आप देखें, अभी जब आप आई होंगी तो दमोह के अपेक्षा जो अन्य जिले हैं वहां को देखा होगा और आपने दमोह को देखा होगा, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। 35 सालों से लगातार एक ही व्यक्ति यहां पर है और जो विकास होना चाहिए था पूरे शहर में आप अपना कैमरा घुमा के देख सकती हैं, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, पक्ष के पास भी चलते हैं और जवाब ले लेते हैं, आप बताइए क्या जवाब देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे पीछे एक मित्र बैठे हैं जिन्होंने एक बात की थी कि लोकतंत्र की हत्या की है, कानून से ऊपर हो गए हैं क्या, तो उनको एक मैं बहुत अच्छे से बात बता देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर SC ST का जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, कोई धारा उन्होंने नहीं की है ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा इसकी बात की है। दूसरा, लगभग दमोह जिले में 2100 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं चल रही है विधानसभा में दमोह जिले में, ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में आपको पता दें, इनको भी शायद पता नहीं होगा क्योंकि 50 साल में तो कभी मेडिकल कॉलेज ने खोले नहीं है, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। मुख्य हमारे जयंत भैया यहां से वित्त मंत्री है, ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं जयंत भैया कि अगली सरकार हमारी फिर से बनने वाली है, ये तो सबको मालूम है, मध्य प्रदेश की जनता उस सरकार में, इस सरकार में दमोह में मेडिकल कॉलेज आने वाला है, ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। मेरा सिर्फ इन लोगों से कहना है, जैसे अभी कुछ सज्जन बोल रहे थे कि भावांतर को लेकर, तो आज किसानों का कहना है कि भावांतर में हम डबल मुनाफे में, एक और तो हमें भाव के द्वारा अलग अलग से वो मुनाफा मिलता है, साथ में बोनस मिलता है, बोनस के साथ में जो दर का दरमियान होता है वो भी हमें मिलता है, तो उसको। चलिए ठीक है, किसानों से भी, किसान नेताओं से भी हम बात करेंगे। आप बताइए सर, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर दमोह जिले की हम बात करें तो अगर विकास कुछ हुआ भी है तो वो सिर्फ दमोह विधानसभा में हुआ है और बाकी की विधानसभाओं में नहीं। इसमें सारी किसानों के लिए ऐसी बृहद योजना दी है, भावांतर भी जो समर्थन मूल्य खरीदी हो, इसके पहले जो सरकार रही है कई बार समर्थन मूल्य से नीचे का अल्ला बिका है, उनने कभी खरीदा है या बिकवाया है? जैसे मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान के समय में ये काम हुआ है, किसानों की स्थिति सुधरी है, आज किसान बढ़ रहा है, सिंचाई का साधन बढ़ा है, बिजली भी बढ़ी है और किसान बहुत आगे बढ़ रहा है और अन्य योजनाएं भी किसानों के लिए लाभकारी है। कई सारी लाभकारी किसानों के लिए योजनाएं हैं लेकिन उनका लाभ कितना प्रतिशत किसानों तक पहुंच रहा है ये देखने वाली बात है, आपका क्या सवाल है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में एवं प्रदेश के समस्त आम जनमानस के हित में लगातार कार्य कर रही है। पहली बार किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने 1 रुपए का भी समर्थन मूल्य देश के प्रदेश के किसानों को नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में है उसने लगातार किसानों के लिए, लेकिन आज भी लगातार किसान सड़कों पर है कि उसे अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, आपका क्या सवाल? मैं अपने जो कांग्रेस भाई बैठे हुए हैं इनको चुनावी
जो मेढक है इनसे तुलना करूंगा इनकी, क्योंकि ये चुनाव आते तो ये टर्रे टर्रे करने लगते हैं। हमारे जयंत भैया, आदरणीय जयंत भैया, 50,000 लोगों से अधिक का नाम मुंह जवानी जानते हैं, जिनको वो नाम लेकर के बुलाते हैं। और ये कांग्रेसी ऐसे हैं जो केवल चुनाव आने पर ही टर्रे टर्रे करते हैं। चुनाव चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोगों के पास चलेंगे और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को आवाज देने की कोशिश करेंगे। बताइए मैडम, मलैया जी 15 साल से मंत्री हैं, एक बार उद्योग मंत्री रहे और वित्त मंत्री है, फिर भी दमोह जिला के युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए उनका खजाना नहीं खोल पाए। दमोह जिले में सिर्फ एकमात्र, वो भी कांग्रेस के समय में, माइसेम फैक्ट्री आई थी, अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। क्या यही उनका खजाना खुल रहा दमोह? ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। मैडम मैं ये लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के 60 साल के शासन काल में मात्र मध्य प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज की डेट में 7 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, पहले 2003 के पहले का मध्य प्रदेश सोमालिया की तस्वीर बदली, सोमालिया की स्थिति में था, आज मध्य प्रदेश की हालत विकास, पहले बीमारू था, आज एक उत्कृष्ट राज्य प्रदेश में आज भी डॉक्टरों की कमी है। मैडम ये अभी सुन रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। हम कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक बात क्लियर, भाई साहब 60 साल सुनिए, आज भी एक मिनट आप सुन लीजिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं, एक मिनट अगर सवाल कर रहे हैं तो बात तो सुन लीजिए, बोलने दीजिए। इन लोगों ने कहा कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, कांग्रेस की गलतियों की सजा। देखिए बीजेपी, एक मिनट बीजेपी, मैं इस कार्यक्रम को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाऊंगी अगर आप सभी लोग सवाल और जवाब को सुनने के लिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनने का मादा भी रखिए। इस देश का एक अर्थशास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करता था तो 140 रुपए प्रति बैरल में जब कच्चा तेल लाता था, जब 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, आज मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और 80 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है, और तुम 82 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे, बीच का पैसा जा कहां रहा है, कहां जा रहा बीच का पैसा, ये पूछिए ना आप इन लोगों से। इस बात का भी हम जवाब लेंगे, आप बताइए। आप ग्रामीण में देख लीजिए, एक तीर से मोदी जी ने 10 निशाने मारे हैं, ठीक है, एक तो ईंट सीमेंट, जिसका मकान में मजदूर नहीं मिल रहे हैं आज, आप देखिए, और भवंतर की बात, ठीक है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। कुछ और लोगों से हम सवाल, विकास बहुत विकास, बेरोजगार की जरूरत है, बेरोजगार है ही नहीं कोई, तो सरकारों ने नेट दे रखा है, फ्री नेट चल रहा है, और दमोह साहब में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में कांग्रेस और बीजेपी की बराबरी की हिस्सेदारी है, कांग्रेस और दोनों पार्टियों के, बीजेपी दोनों पार्टियों के ठेकेदार हैं, और ये ठेकेदार ये स्थानीय लोगों को मजदूरी पर नहीं रखते, ये दूसरे प्रदेश के मजदूर बुलाते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या सवाल। मैडम मैं इतना, भैया सुन लीजिए, भाई साहब बोली सवाल, ठीक है बोली, समझ नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, तो मैडम मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में हमारे बहू के दल लड़का हुआ है, मैंने उससे कहा कि विकास नाम रख दो, तो वो मुझसे लड़ने लगी, कह रही विकास नाम नहीं रखेंगी। बताइए क्या सवाल। मैडम बेरोजगार, मैडम दमोह में 34 पद भरे गए थे कलेक्टर साहब ने, जिसकी खुली दलाली हुई थी दमोह में कलेक्ट्रेट में, और आज के युवा को अगर आपको रोजगार है तो सिर्फ 5,000 का है, बाकी उनके नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को है। ठीक, बताइए क्या सवाल। मैम वर्तमान में एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, केवल एक छात्र क्रांति दल का दमोह जिले का अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में सरकार के द्वारा एक नियम में परिवर्तन किया गया है, मध्य प्रदेश के लाखों प्रतिभागी हैं जिन्होंने बीएड और डीएड किया हुआ था, परंतु वर्ग एक में जो भी व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है उसमें मैडम जो 50% से पास है बीएड, केवल उन्हीं के लिए मैडम मैं इस परीक्षा में प्रवेश फॉर्म भरने दिया जा रहा है, 50% से कम में उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस नियम के लिए पूर्व की भांति ही लागू किया जाए, इससे क्योंकि लाखों की संख्या में बेरोजगारी वैसे ही बढ़ रही है, और अब लाखों प्रतिभागी इस परीक्षा से वंचित रहेंगे तो बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगी। ठीक है, बताइए यहाँ पर आपका क्या सवाल। मैडम पथरिया विधानसभा से हैं, पथरिया विधानसभा में लगभग 1,00,000 महिला मतदाता हैं, तो पथरिया में एक पथरिया स्वास्थ्य केंद्र और एक बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र, दोनों जगह 60 साल में कोई महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, अब आप लगाइए अंदाजा कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी। ठीक है, आपका क्या सवाल। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की कमी है, सबसे ज्यादा क्या हो? जितने भी आज ये हैं बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, 3,000 रुपए की जॉब से ज्यादा यहाँ मिलता नहीं है, और जो अभी वैकेंसी निकली है, आपने 2011 में अनाउंसमेंट किया था हम संविदा निकालेंगे, आपने अभी चुनाव के टाइम पे लालच देने के लिए निकाल दिया, तो ये पहले बीच में नहीं कर सकते थे क्या? ठीक है, आपका क्या?
मैम ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चोर चोर मोसेरे भाई हैं, जैसा कि हमारी बहन जी कहती हैं। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अब शोर नहीं, अब रण होगा और हाथी का विधानसभा गमन होगा। चले ठीक है, लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर सवाल जवाब के दौर जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन विकास और जनता को कितनी उनकी समस्याओं से निजात मिली है ये कोई भी जवाब नहीं दे पाता। मैं वर्तमान सरकार से जानना चाहता हूँ, आप एक मतलब खोखला वादा करके आए थे सत्ता में कि आप किसान की आय दुगनी करेंगे, किस किसान की आय आपने दुगनी की है आप ये बताएं? आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की है, किस किसान का पैसा आपने समय पर दिया है? चना की खरीदी के लिए 2 महीने हो गए, आज भी किसानों का पैसा उनके खाता में नहीं गया। क्या सवाल है आप? शायद बहुत सारी बातें हो गई विकास के ऊपर, मैं बताऊंगा। शायद प्रदीप भाई ने भी कहा कि उमा देवी जी की खटीक जी का विकास, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप पहले 70 एकड़ के थे तो शायद आप आज 170 एकड़ के होंगे। भगवान दास चौधरी जी पहले एक जिला पंचायत जिस दिन से मिली उनके लिए आज क्रेशर है सारी। सवाल बताइए, व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूं। सवाल है, सवाल बोलने का मौका दिया गया, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो इनके यहाँ एक कांग्रेसी नेता है संतोष भारती जी, आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए एक महिला ओजस्वी संस्थान जो चलाती है उनके लिए इतना गंदा लिखते हैं और ये कांग्रेस के नेता बनते हैं। और पूरे आपके पास कोई स्थानीय मुद्दा है बोलने के लिए? मुद्दा कुछ नहीं है, ठीक है आप एक मिनट आप बोल। मैडम अभी आप खुद देख सकती है कि ये लोग गरीब के घर नहीं जाते, आप जाके देखिए जिनको आवास मिल रहे हैं उनके चेहरों पे कितनी खुशी है। छत देने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, 70 साल तक आके चलती रही महिला आपकी चूल्हा फूक फूक के, मगर गैस मैं नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, पहले लाल लगती थी गैस लेने के लिए, ये लोग खुद लगे हैं लाइन में। चलिए आप महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बात करने वाले मंत्री जी और मुख्यमंत्री, उनके घर के बाजू में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और इस देश प्रदेश के वित्त मंत्री शांत रहते हैं अभी तक, वो जेल में है लेकिन उसके लिए ऊपर सजा नहीं। चलिए पथरिया विधानसभा के पीछे बात हुई थी, वहां पर बताया कि 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है, लेकिन आज भी पथरिया विधानसभा में कोई महिला डॉक्टर की नियुक्ति सालों से नहीं की गई और ना ही कोई महिलाओं के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए। नहीं कोई उधर मतलब महिला डॉक्टर नहीं है पथरिया में, ये सत्य बात है। पर मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगी, अभी बीजेपी वालों ने जो सब मुद्दा उठाया है भाव अंतर को लेके, जो किसानों के साथ गलत हुआ है आप खुद ही देखिए, 8-8 दिन मंडियों में पड़े हैं लोग और उनको पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मुझे पूरी बात बोलने दें आप तो मैं पूरी बात बोलना चाहती हूँ आपके सामने। भाव अंतर से लेके ना जो भी बात ये लोग करते हैं, दूसरे फसल उर्दा की आने वाली है और अभी पिछले उर्दों की जो बीमा मतलब फसल की बीमा के पैसे हैं वो आज भी नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी देर पहले किसानों को लेकर जितनी भी जनहितकारी योजनाएं हैं उनका बखान कर रहे थे, कुछ किसानों ने यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं, जवाब देना चाहेंगे। देखिए पहले जब यहाँ पहले किसान कहा जाता था कि किसान का जन्म कर्ज में होता है कर्ज में मरता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो इन्होंने प्रधान किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई, पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके बाद हमारी प्रदेश में सरकार बनी जिससे शून्य जहाँ 18% ब्याज लगता था वहाँ 0% ब्याज पर किसानों कर्ज दिया जा रहा है। दूसरी बात जो समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात कर रहे हैं, आज हमारे समर्थन मूल्य के कारण भावांतर और किसान समृद्धि योजना का आज भी किसानों को लाभ, किसान समृद्धि योजना में पिछले साल किसानों ने गेहूं बैठा है, हमारी सरकार आज 200 रुपया उसका बोनस दे रही है। ऐसा हुआ है कभी इसके पहले कांग्रेस ने कभी एक भी योजना चला कर बताई हो किसानों के बारे में तो बताएं। ठीक है पीछे कुछ और लोग हैं उनसे हम सवाल करें, पीछे कुछ आम नागरिक आम जनता है जो सवाल पूछ, बताइए क्या सवाल है? मैडम मैं तो व्यक्तिगत यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपने 45 इयर्स की ओल्ड में इतना ही देखा है कि आज तक कांग्रेसियों के और बीजेपी के राज्य में मैंने सिर्फ एक ही भेद देखा है कि कांग्रेसियों के राज्य में मेरी माता तो बाहर जाती थी, बहनें बाहर जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तो मेरे घर में शौचालय बना। उसके बाद निर्माण कार्य के बारे में, मेरे घर में अगर एक दीवार गिर जाती थी तो मकान नहीं बना पाता था, लेकिन आज मेरे को मकान बना। आपका क्या सवाल? मैं दमोह जिले की हाड़ा विधानसभा किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हमारी पूरी विधानसभा में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जंगल के क्षेत्र में आदिवासी लोग पिछड़े हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी
दोनों एक थाली की चट्टी मट्टी है। आज वर्तमान समय में मानवीय मूल्य गिरे हैं, मानवता का हेरासमेंट हुआ है, जातिगत सूत्रों पर पूरे देश को बांटा जा रहा है और केवल हत्या हो रही है। चलिए कुछ और लोगों के पास आपको बोलने का मौका दे चुकी हूँ मैं, आप बताइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। कई सारे किसानों को लेकर अभी बातचीत चल रही थी, क्या स्थिति है किसान? किसान भाजपा की सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मंदसौर में किसानों को मारा गया, किसानों की बिल्कुल हितैषी नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, वित्त मंत्री उद्योग मंत्री रहे मलैया जी, पर एक भी इन्वेस्टर मीट नहीं हुई है, उद्योग लाने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। इससे ये साबित होता है कि ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। बहुत बढ़िया, ठीक है आप बताइए। किसानों की बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मेरी माताजी मंडी की अध्यक्ष है, सम्माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि एक एक दाना चना का किसान का खरीदा जाएगा, जो उन्होंने समर्थन मूल्य की योजना चालू करी थी। मेरे यहाँ 22,800 रजिस्ट्रेशन हुए थे, रिकॉर्डेड है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि 18,000 लोगों का चना बेचा गया और 6,000 लोगों का आज तक एक दाना नहीं। ठीक है ठीक है, जल्दी संक्षेप में एक लाइन में खत्म करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था पे हम बात करें तो आज सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं और आज अतिथि शिक्षकों का ये सरकार शोषण कर रही है। 2,000-3,000 रुपए का मानदेय देकर ये उनको 8 महीने का मानदेय देते हैं और दिग्विजय सिंह की सरकार में शिक्षा कर्मियों को 12 माह का मानदेय। ठीक, चलिए ठीक है, लगातार जाते जाते एक आखिरी स्टेटमेंट है जो मैं मोनू पुटेरिया जी से लेना चाहूंगी। दमोह जिले में विकास की हम बात कर रहे थे, लगातार बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य सभी तरह की समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आई। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कांग्रेस अब ऐसे किसी लीडर को उतारेगी जो जयंत मलैया के सामने कद्दावरी से उतर पाए और यहाँ पर कांग्रेस को जिता? मैडम सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या ये हो रही है। अभी पिछले हफ्ते मैंने कलेक्टर से मिलके 23,000 नाम का 563 पन्ने का मैं रिकॉर्डेड दिया है और आज भी कल अभी मैं फिर मिला हूँ, नाम नहीं काटे जा रहे। 23,000 फर्जी नाम इस दमो विधानसभा में है। जयंत मलैया हर बार हारते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करके जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इस सार्थक चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही जनप्रतिनिधि बसपा के भी यहाँ पर जुड़े, प्रबुद्ध जनता बड़ी संख्या में यहाँ से जुड़ी और आम जनता ने अपनी जो स्थानीय समस्या है उसको IBC24 के जनकारवा के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। हालांकि दमोह विधानसभा सीट में इस बार क्या कांग्रेस कोई ऐसा कद्दावर और बड़ा चेहरा जो कि जयंत मलैया के सामने उतार पाए, आने वाले समय में हम देख पाएंगे की देखने वाले बात होगी। और क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो फर्जी नाम है